Sociology of Development, Topic 38, History of Capitalist Model. Capitalist Model की history इतनी ही पुरानी है जितनी Human Society पुरानी है. Especially जब थोड़ा सा Formal Economic System बनने लगे back in 12th century and 13th century, जब economy की traditional shape से कुछ ऑर्गेनाइज्ड शेप आने लगी, तो हम कह सकते हैं कि दैट वाज द राइट टाइम कि जब कैपिटलिज्म जो है, जो कैपिटलिस्ट मॉडल है, ये दुनिया में बकायदा इसकी जो है वो एग्जिस्टेंस फील की गई. इकोनॉमिक मॉडल्स जो मॉडल कोई भी है वो बेस करता है मोड ऑफ प्रोडक्शन पे, ट्रेड पे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पे. तो दुनिया में, ह्यूमन हिस्ट्री में, वर्ल्ड में, इन द 12th सेंचुरी एंड द 13th सेंचुरी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड होना शुरू हुई. ऑल्दो कि बैक इन हिस्ट्री इससे पहले भी सेंचुरीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस द नेशंस, अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द एम्पायर ट्रेड भी होती थी, ट्रेड के सिस्टम्स भी मौजूद थे. तो इसका मतलब है कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो मार्केट इकोनॉमी है, ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहरहाल किसी न किसी कैपेसिटी में एग्जिस्ट करता था. एक जो एम्पायर थी वो दूसरी एम्पायर के साथ अपने ट्रेड लिंक्स मेंटेन करना चाहती थी. ट्रेड किन मीन्स से होनी है उसकी भी कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी. कभी बार्टर सिस्टम होते थे, कभी करेंसीज होती थी, कॉइन्स थे, सोने के थे, चांदी के थे, जो बेस बनते ट्रेड की, एक्सचेंज की, किसी चीज की कॉस्ट बनाने की, कॉस्ट मेजर करने के लिए सिस्टम इमर्ज होते रहे अक्रॉस द सेंचुरीज इन ह्यूमन हिस्ट्री. कैपिटलिज्म इमर्ज ग्रेजुअली फ्रॉम एन एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सोशल वैल्यूज. जो फ्यूडल्स का कॉन्सेप्ट है कि सिटी स्टेट्स थी और विद इन द स्टेट फ्यूडल्स थे, स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स एंड पर्सनैलिटीज एंड ट्राइब्स जो एक सर्टन रीजन को एक स्टेट के तौर पे या विद इन स्टेट कंट्रोल करते थे. तो जो फ्यूडलिज्म का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जो पावरफुल मासेस थे, पावरफुल जो लोग थे वो मासेस को कंट्रोल करते थे, वही सिस्टम इवॉल्व होके आगे कैपिटलिज्म की शेप में दुनिया के पास आया. दुनिया ने अकॉर्डिंगली हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के मुताबिक, अपनी नीड्स के मुताबिक उसको अडॉप्ट किया. द टर्म कैपिटलिज्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म कैपिट मीनिंग हेड. एज एन इकोनॉमिक सिस्टम इट गॉट एस्टेब्लिश्ड एंड पॉपुलराइज्ड इन 12th एंड द 13th सेंचुरीज. इन 15th सेंचुरी जब पॉजिटिव एज आना शुरू हुई, रैशनैलिटी आई, रैशनलाइजेशन हुई बहुत सी चीजों की, तो उसी जमाने में जो यूरोप की रैपिड ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आए, सोशलिस्ट अप्रोच जो है वो प्रमोट होना शुरू हुई. बट स्टिल एट दैट टाइम जो कैपिटलिस्ट मॉड है यही एग्जिस्ट करता था और यही आगे एक्सपेंड हो रहा था. कैपेबिलिटीज टू जनरेट एंड एक्यूमुलेट पर्सनल वेल्थ. जो वेल्थ को जनरेट करने का प्रोसेस है और एक्यूमुलेट करने का प्रोसेस है वो फर्स्ट टैक हुआ उस जमाने में. ऑल्दो के जो सोशलिज्म की डिबेट्स हैं वो कैपिटल की डिसेमिनेशन की हैं, बहरहाल कैपिटल जनरेट करने की जो डिबेट्स हैं वो वहां पे मौजूद थी. और एक जो सिस्टम जो चल रहा था वो
بنیادی فیز میں تھا، سمپل تھا، زیادہ کمپلیکس نہیں تھا آج کے کیپیٹل کی طرح، بٹ تھا وہ کیپیٹلزم میں. جو ایک گروپ ہے فرینچ اکانومسٹ کا بگین پروموٹنگ وٹ کم ٹو بی نون ایز لیسز فیئر، اوریجنلی اے فرینچ فریز ٹرانسلیٹڈ ایز الاؤڈ ٹو ڈو اکنامکس، لوگوں کو کام کرنے دیں، لوگوں کو اکنامک ایکٹیویٹی کرنے دیں، لوگوں کو اکنامک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنے دیں، دے آر فری ٹو ارن پروفٹ، دے آر فری ٹو ڈو دا مور اینڈ مور بزنسز. دا انڈسٹریلسٹ کلاس آل دو ان فیکٹریز ان دا انڈسٹریل ایج دے آر ارننگ میکسیمم، آن ادر سائڈ دا لیبر کلاس وچ آر میکسیمم ان نمبر ان دا انڈسٹریل سیٹنگ دے آر ارننگ لٹل، بٹ اسٹل کیپیٹلسٹ کلاس از گیون اسپیس ان دا سسٹم اینڈ سوسائٹی. ایٹ دا سیم ٹائم جرمن اسکالر دا کارل مارکس ہی گیوز دا تھیوریز وچ اپوز کیپیٹلزم. But at that time, socialism was not in a position to exist. There were just debates. But the popular system was the only and only that was the capitalism.